वेलकम स्टूडेंट्स इन ओम कोश क्लासेस कंपटीशन वेंचर ऑफ एससीए धर्मशाला। तो स्टूडेंट जैसे कि आपको पता है कि मैंने बोर्ड लेवल के ऊपर आपकी एक टेस्ट सीरीज चलाई है जिसका पार्ट टेस्ट टू मैंने लिया था, और पार्ट टेस्ट टू जो था उसमें हमने दो टॉपिक कवर किए थे, कॉन्टिन्यूटी एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो पार्ट टेस्ट टू के लेक्चर वन, वीडियो नंबर वन में, लेक्चर नंबर वन में मैंने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के असर्शन रीजन और अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवा दिए थे, और अब लेक्चर नंबर टू में बेटे मैं कॉन्टिन्यूटी के आपको फाइव जो एमसीक्यू वो करवाऊंगा, और एक इसमें केस बेस क्वेश्चन था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का वो करवाऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चंस। ठीक है बेटे, सबसे पहले मैं आपको कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन बताना चाहूंगा कि कोई भी फंक्शन है, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है मान लीजिए एफ ऑफ एक्स, और मैं कह दूं ये जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन है और ये फंक्शन एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर कॉन्टिन्यूस है। बेटे कोई भी फंक्शन x is equal to a की जगह हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, कोई भी फंक्शन x is equal to a पे कंटीन्यूअस कब होता है बेटे, जब x equals to a के ऊपर उस फंक्शन की लिमिट और a के ऊपर उस फंक्शन की वैल्यू दोनों आपस में कैसे आ जाएं इक्वल। वंस अगेन मैं कह रहा हूं, कोई भी फंक्शन a के ऊपर, a की जगह कोई भी नंबर हो सकता है फंक्शन के डोमेन से, a के ऊपर कंटीन्यूअस कब होगा जब a के ऊपर फंक्शन की लिमिट और a के ऊपर फंक्शन की वैल्यू दोनों सेम आ जाए। अब बड़ी बात यह है कि लेमैन में मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि a के ऊपर फंक्शन की लिमिट का मतलब क्या होता है। बेटे जब हम कहते हैं किसी फंक्शन की a पे लिमिट निकालो, इसका मतलब होता है कि a के नेबरहुड में, a के आसपास फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। जैसे मान लीजिए कि नंबर लाइन के ऊपर मान लो ये a है, और मैं कहूं a के ऊपर किसी फंक्शन की लिमिट निकालिए, इसका मतलब a के आसपास, a के जरा सा आगे और जरा सा पीछे आपने उस फंक्शन की वैल्यू देखनी होती है, ये मतलब होता है। और a के आसपास अगर लिमिट फंक्शन की सेम आ जाए तो हम कहते हैं उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर गई, और a पे वैल्यू का मतलब एग्जैक्टली a के ऊपर फंक्शन की क्या वैल्यू है। वंस अगेन मैं बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि किसी भी फंक्शन की a पे लिमिट निकालने का मतलब क्या होता है कि a के नेबरहुड में, जैसे कि आम भाषा में मैं बोल रहा हूं a के आसपास फंक्शन की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अब a के आसपास ये और ये, इसे कहेंगे a के लेफ्ट में देखो और इसे कहेंगे a के राइट में देखो। a के लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू देखो, a के राइट में फंक्शन की वैल्यू देखो, और a के लेफ्ट में और राइट में अगर फंक्शन की वैल्यू सेम आ गई तो हम कहेंगे कि फंक्शन की लिमिट क्या कर रही है a के ऊपर, एग्जिस्ट कर रही है। और फंक्शन की अगर लिमिट एग्जिस्ट कर जाए और उसके बाद वो फंक्शन की वैल्यू के बराबर आ जाए तो हम कहते हैं फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, और अगर ऐसा ना हो तो फिर फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 11 बेटे, क्वेश्चन नंबर 11 में वो मुझे कह रहे हैं द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस वन, इसे हम पढ़ते हैं इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, वेयर उसने लिखा है देयर दिस वन डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स। आपको पता है इसे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी बोल देते हैं, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स भी बोल देते हैं, और हमें ये कह रहा है दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट, चार नंबर दिए हैं, वन के ऊपर कॉन्टिन्यूस है, 1.5 पे, माइनस 2 पे और 4 पे। पहले मैं डिटेल में समझाऊंगा, बाद में इसका शॉर्टकट बताऊंगा। पहले तो बेटे मुझे आपको यह सिखाना है कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स का मीनिंग क्या होता है। बेटे इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स का मीनिंग क्या होता है, इसकी डेफिनेशन बता रहा हूं। इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स एक्स के ही बराबर होता है अगर मैं एक्स क्या ले लूं, इंटीजर ले लूं। ठीक है, अगर मैं इस एक्स की जगह कोई भी इंटीजर रख दूं तो आंसर आपका वही आ जाता है। और बेटे अगर मैं एक्स की जगह इंटीजर ना रख, x की जगह अगर मैं इंटीजर ना रखूं तो जो इसका आंसर होता है वो क्या होता है। ठीक है, अगर मैंने क्या कहा यहां पे मैं इंटीजर रखूंगा तो आंसर वही इंटीजर आ जाएगा, और यहां पे अगर मैं इंटीजर नहीं रखूंगा तो क्या आएगा, इंटीजर नहीं रखा है ना, तो उस जो नहीं रखा है इंटीजर उसके लेफ्ट साइड में जो सबसे पहला इंटीजर होगा वो आंसर होगा। आपको मैं थोड़ा डिटेल में समझाता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया 2 का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा। ठीक है, अब ये इंटीजर है तो 2 का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, 2 होगा। कोई आपको कह दे -1 का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, -1 होगा क्योंकि -1 भी इंटीजर है। कोई आपको कह दे -7 का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, -7 होगा क्योंकि -7 एक इंटीजर है। मतलब इंटीग्रल पार्ट ऑफ x में अगर x की जगह हम क्या रखें बेटे, इंटीजर रखें तो वही आंसर आ जाता है, और इंटीजर ना रखें
जैसे मैंने रखा 1.2, अब आपको पता है 1.2 इंटीजर नहीं है, तो बेटे 1.2 के लेफ्ट साइड में जो सबसे पहला इंटीजर आएगा, देखो 1.2 के लेफ्ट साइड में सबसे पहले 1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर -1 आएगा, लेकिन आपने कौन सा लेना, जो सबसे पहले आ जाए। इवन कोई आपको कह दे 1.9 का इंटीग्रल पार्ट क्या होता है, अब आपको कोई पूछे यहां अगर 2 है तो 1.9 भी यहां होगा, और 1.9 के लेफ्ट साइड में जो सबसे पहला इंटीजर आएगा कौन आ रहा है, 1 ही आएगा। ठीक है, कोई आपको कल को कह दे 2.1 का इंटीग्रल पार्ट बताओ, क्योंकि 1.2, 1.9, 2.1 जो है वो इंटीजर नहीं है, अब ये 2 है तो 2.1 आगे होगा, अब 2.1 का इंटीग्रल पार्ट कौन होगा, 2.1 के लेफ्ट साइड में जो सबसे पहले इंटीजर आ जाएगा, 2.1 के लेफ्ट साइड में सबसे पहले कौन आएगा, 2, तो 2 होगा। ठीक है, तो पहले तो मैंने आपको इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स की बात की है। अब क्वेश्चन बेटे यहां पे ये है कि जो इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स मैंने दिया है वो हमें कह रहा है कि बताइए ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स एक्स इज इक्वल टू 1.5 -2.4 किसके ऊपर जो है वो कॉन्टिन्यूस है। आपको पता है कोई भी फंक्शन किसी नंबर पे कॉन्टिन्यूस कब होगा, जब उस नंबर के ऊपर उस फंक्शन की लिमिट और उस फंक्शन की वैल्यू सेम आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेटे मैं यहां पे समझाता हूं आपको, जैसे फंक्शन, जैसे सबसे पहले मैं 1 के ऊपर चेक करता हूं, मैं चेक करता हूं कि क्या 1 के ऊपर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। अब 1 के ऊपर फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होगा बेटे, जब 1 के ऊपर इस फंक्शन की लिमिट और 1 के ऊपर इस फंक्शन की वैल्यू दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 फंक्शन, और फंक्शन मैंने आपको क्या दिया हुआ है आपका, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 1, एफ ऑफ एक्स है तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, एफ ऑफ 1 है तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रल पार्ट ऑफ 1, और आपको पता है इंटीग्रल पार्ट ऑफ 1 तो क्या होगा, 1। ठीक है, एफ ऑफ 1 क्या आ गया बेटे, एफ ऑफ एक्स अगर इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ 1 क्या आ गया, 1 का इंटीग्रल पार्ट, और 1 का इंटीग्रल पार्ट तो 1 होता है। चलो यहां देखते हैं, अब बेटे 1 के ऊपर आपने इस फंक्शन की लिमिट निकालनी है, और आपको मैंने सिखाया 1 के ऊपर फंक्शन की लिमिट निकालनी है, इसका मतलब 1 के आसपास फंक्शन की वैल्यू देखनी है। अब 1 के आसपास, जैसे ये 1 लिया है बेटे, अब 1 के आसपास 1 से जरा सा पीछे और 1 से जरा सा आगे, ठीक है, वैल्यू देखनी है। अब 1 के अगर हम यहां होंगे बेटे, 1 के अगर हम यहां होंगे, अगर 1 से जरा सा भी पीछे अगर होंगे हम, अब 1, देखो मैंने पहले कहा कि 1 के ऊपर लिमिट निकालने का मतलब 1 के आसपास, 1 से जरा सा पहले देखो और 1 से जरा सा आगे देखो, अब 1 के पीछे अगर होंगे हम, ठीक है, तो बताइए 1 के पीछे होंगे अगर हम यहां होंगे तो आपका फंक्शन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स हमें क्या आंसर देगा, बोलो, 0 आंसर देगा। ठीक है, और 1 के अगर हम यहां होंगे बेटे, 1 के अगर यहां होंगे तो 1 के यहां होंगे तो आपका 1 के यहां कोई भी नंबर मैं ले लूं उसका इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स हमें क्या आंसर देगा, 1 आएगा, 1 देगा। इसका मतलब 1 के पीछे कुछ और आंसर है, 1 के आगे कुछ और आंसर है, तो क्यों ना इसके ऊपर मैं इसके लेफ्ट साइड में भी देखूं और राइट में भी देखूं। अब 1 के लेफ्ट में इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, यहां जो भी नंबर होगा उसका इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स आपको क्या आंसर देगा बेटे, 0 आंसर देगा। और 1 के राइट साइड में अगर आप होंगे, 1 के राइट साइड में अगर आप होंगे तो आपका इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स आपको क्या आंसर देगा बेटे, 1 आंसर देगा। तो लेफ्ट साइड से आपको 0 आंसर मिल रहा है, राइट से आपको 1 मिल रहा है, इसका मतलब आपको पता है 0 और 1 बराबर नहीं है, इसका मतलब फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, और फंक्शन की अगर लिमिट एग्जिस्ट ना करे तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होता। मैंने पहले कहा कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और वो अगर फंक्शन की वैल्यू के बराबर आ जाए तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, और जिस फंक्शन की लेफ्ट लिमिट कुछ और आ जाए, राइट लिमिट कुछ और आ जाए, वो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो 1 के ऊपर तो कॉन्टिन्यूटी नहीं आई, अब 1 पे नहीं आई तो मैं 1.5 पे चेक करता हूं। अब 1.5 पे इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, इसका मतलब 1.5 के ऊपर आपने इस फंक्शन की लिमिट निकालनी है और 1.5 के ऊपर आपने इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब 1.5 पे वैल्यू, ठीक है, और आपका फंक्शन कौन है जी, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, तो क्या लिखना चाहिए था मुझे यहाँ, 1.5 का इंटीग्रल पार्ट, और मुझे तो पता है और आपको भी पता है 1.5 का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा बच्चों, 1। अब 1 के ऊपर, सॉरी 1.5 के ऊपर इस फंक्शन की हम लिमिट निकालते हैं, तो 1.5 के ऊपर इस फंक्शन की लिमिट निकालनी है, व्हाट इज द मीनिंग, 1.5 पे फंक्शन की लिमिट निकालनी मतलब 1.5 के आसपास देखना है, ये और ये यहां देखना है कि यहां और यहां फंक्शन की क्या वैल्यू है। यहां बताइए अगर आप यहां हैं और आपका फंक्शन है, कौन है आपका फंक्शन बेटे, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स,
और यहां कोई भी नंबर ले लो आप, 1.5 से छोटा मान लो 1.4 ले लो, तो बताइए 1.4 का इंटीग्रल पार्ट आपको क्या आंसर देगा, 1 देगा। और 1 के यहां अगर हम चले जाते हैं, 1 से सॉरी 1.5 के यहां चले जाते हैं, मान लीजिए 1.6 है, और 1.6 का इंटीग्रल पार्ट भी हमें क्या आंसर देगा बेटे, 1 देगा। तो लेफ्ट लिमिट भी 1 आ रही है, राइट लिमिट भी 1 आ रही है, वैल्यू भी 1 आ रही है, इसका मतलब आपका जो फंक्शन है कौन बच्चों, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन आ गया किसके ऊपर, 1.5 के ऊपर। बेटे ये तो मैंने डिटेल में बताया, लेकिन आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना कि जो इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स होता है, जो इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स होता है वो इंटीजर्स के ऊपर हमेशा नॉट कॉन्टिन्यूस होता है और नॉन इंटीजर के ऊपर हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है। देखो 1 के ऊपर वो नॉट कॉन्टिन्यूस आया और नॉन इंटीजर 1.5 के ऊपर वो कॉन्टिन्यूस आया। अब -2 पे चेक करेंगे, -2 एक इंटीजर है, नॉट कॉन्टिन्यूस आएगा। 4 के ऊपर चेक करेंगे, 4 एक इंटीजर है, नॉट कॉन्टिन्यूस आएगा। तो अगर आपका MCQ आया हुआ है, इतनी डिटेल में आपको पेपर में नहीं जाना है। अगर हमने आपको एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स दे दिया, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे दिया, तो आप ध्यान रखिएगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है वो इंटीजर्स के ऊपर हमेशा नॉन कॉन्टिन्यूस होता है, कॉन्टिन्यूस नहीं होता है, और नॉन इंटीजर के ऊपर हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, द वैल्यू ऑफ के, आपको के की वैल्यू निकालनी है, फॉर विच ये जो फंक्शन मैंने आपको दिया है, इस फंक्शन की दो डिफाइनिंग है, एफ ऑफ एक्स 3x+5 है जब एक्स 2 या 2 से बड़ा है, और फंक्शन की दूसरी डिफाइनिंग मैंने आपको दे रखी है के एक्स स्क्वायर जब एक्स 2 से छोटा है, इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। हम आपको कह रहे हैं ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, आप के निकालिए। बेटे जब मैं आपको कह रहा हूं ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, जब हम आपको कह देते हैं फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब वो हर नंबर के ऊपर क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। अब देखिए पहले मैं जरा आपको फंक्शन को तोड़ के दिखाता हूं कि आपका फंक्शन हमने दिया है आपको 3x+5 कब, जब x 2 है या 2 से बड़ा है। बेटे जब x आपका, जब आपका x जो है वो 2 है या 2 से बड़ा है, तो आपको फंक्शन यूज करना है 3x+5। और जब आपका x 2 से छोटा है, ये पोर्शन जो है 2 से छोटा है, तो आपको फंक्शन यूज करना है kx2। ठीक है, और हम आपको कह रहे हैं कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस, आप k निकाल। बेटे जब मैं आपको कह रहा हूं ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, अब कॉन्टिन्यूटी की बात किसके ऊपर करनी है हमने, 2 के ऊपर, क्योंकि 2 के आगे पीछे फंक्शन का बिहेवियर चेंज हुआ है। 2 से आगे इसका कोई और बिहेवियर है, कोई और डेफिनेशन है, 2 से पीछे इसकी कोई और डेफिनेशन है, तो ये फंक्शन 2 के ऊपर ब्रेक हुआ है, तो मैं 2 के ऊपर ब्रेक हुआ है तो मैं 2 के ऊपर चेक करूंगा। अब मैं आपको कह रहा हूं ये फंक्शन 2 पे कॉन्टिन्यूस है, उसने तो कहा कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, अब कॉन्टिन्यूस तो हर नंबर पे कॉन्टिन्यूस होगा, हर नंबर पे कॉन्टिन्यूस होगा तो 2 पे भी कॉन्टिन्यूस होगा। आप कहेंगे सर आप 2 पे ही बात क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहा हूं 2 पे बात, क्योंकि फंक्शन की ब्रेकिंग पॉइंट कौन है यहां पे, 2। जब मैं आपको कह रहा हूं फंक्शन 2 पे कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब बच्चों 2 के ऊपर फंक्शन की लिमिट और 2 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू दोनों आपस में इक्वल होंगे। अब देखिए बेटे 2 पे लिमिट निकालनी है, और 2 पे फंक्शन की लिमिट निकालने का मतलब होता है 2 के आसपास देखने, 2 के आसपास यहां देखना है और यहां देखना है। बेटे अगर 2 के यहां देखूंगा मैं, अब मैं 2 से छोटा हूं ना इस वक्त, तो मेरा फंक्शन कौन सा यूज होगा, kx2। और बेटे अगर मैं यहां देखूंगा 2 से जरा सा आगे से देखूंगा, तो फंक्शन मेरा कौन यूज होगा, क्योंकि 2 से आगे फंक्शन आपने बदला हुआ है, तो ये तो 2 के लेफ्ट साइड में कोई और फंक्शन है और 2 के राइट साइड में कोई और फंक्शन है। इसका मतलब 2 के लेफ्ट साइड की भी लिमिट निकालनी पड़ेगी और 2 के राइट की भी निकालनी पड़ेगी, और दोनों इक्वल आ गए तो ओके ठीक है। अब 2 के ऊपर हम लेफ्ट लिमिट निकालेंगे, 2 के ऊपर लेफ्ट लिमिट निकालेंगे, और इस तरह से लिखते हैं 2 की लेफ्ट लिमिट, इन माइनस लगाने का लेफ्ट लिमिट, और फिर हम 2 की क्या निकालेंगे बेटे, राइट लिमिट निकालेंगे, 2 की राइट लिमिट निकालेंगे, और 2 पे क्या निकालेंगे, फंक्शन की वैल्यू। अब 2 पे बेटे लेफ्ट लिमिट निकालनी है, और 2 के लेफ्ट साइड में कौन सा फंक्शन है आपका, kx2। तो 2 के लेफ्ट में जब मैं लिमिट निकालूंगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब 2 की वैल्यू -2 नहीं होगी, नेगेटिव ये स्टैंड कर रहा है कि हम 2 के लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, और 2 के लेफ्ट साइड में क्या है आपका फंक्शन, kx2। लिमिट लगाइए, x की जगह क्या रखा होगा आपने, 2 रखा होगा, तो x की जगह 2 रखा होगा, 2 का स्क्वायर 4 और साथ में k, तो 2 की लेफ्ट लिमिट क्या आ गई बेटे, 4k आ गई ठीक है। अब 2 के राइट साइड में देखिए, 2 के राइट साइड में हमने लिमिट निकालनी है बेटे, और 2 के राइट साइड में हमारा फंक्शन ये है,
अब 2 के राइट साइड में हम लिमिट निकालेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव, और यहां फंक्शन कौन है हमारा 3x plus 5, हमारे पास फंक्शन है 3x plus 5, और जैसे मैं लिमिट लगाऊंगा x की जगह रखूंगा 2 रखूंगा, और x की जगह 2 रखूंगा 3 2 6, 6 plus 5 बेटे कितना आ जाएगा 11, तो 2 की जो राइट लिमिट आई है वो कितनी आ गई है 11, और तीसरी चीज 2 के ऊपर वैल्यू देखूंगा फंक्शन की 2 पे वैल्यू। अब मुझे बताइए 2 पे वैल्यू देखनी है और x इक्वल टू 2 या ग्रेटर देन 2 के लिए आपका फंक्शन ये था, ये वाला था, तो 2 पे जब फंक्शन की वैल्यू देखोगे तो f ऑफ 2 के लिए इनमें से कौन सा फंक्शन यूज होगा 3x plus 5, क्यों f ऑफ x 3x plus 5 है जब x 2 है या 2 से बड़ा, तो 2 के लिए ये यूज होगा, ठीक है 3x की जगह क्या रख दिया बेटे आपने 2 plus 5, 3 2 6 plus 5 11, तो ये भी क्या आ गया 11, क्योंकि उसने कहा था कि फंक्शन 2 पे कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब फंक्शन के 2 पे लेफ्ट लिमिट 2 पे राइट लिमिट 2 पे वैल्यू सब इक्वल होंगे, तो 4k इक्वल टू 11 इक्वल टू 11, मतलब 4k इक्वल टू 11 आ गया, मतलब k की वैल्यू बेटे क्या आ गई 11/4, और k की वैल्यू 11/4, हमारा d सही आंसर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है बेटे, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है बेटा द वैल्यू ऑफ k, ठीक है k की वैल्यू निकालनी होगी फिर से, फॉर विच द फंक्शन दिस वन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, कि ये फंक्शन जो है 0 के ऊपर हमने आपको क्या दे रखा है कॉन्टिन्यूस, और फंक्शन की फिर से दो डिफाइनिंग दी है, एक डिफाइनिंग है फंक्शन की कि जब फंक्शन की डिफाइनिंग है 1 माइनस कॉस 4x ओवर 8x स्क्वायर, कब जब x 0 नहीं है, और फंक्शन की दूसरी डिफाइनिंग है फंक्शन की जगह k यूज करना है जब आपका x क्या है 0 है, इसे मैंने यहां बनाया है कि बेटे जब x 0 है, ये मैंने x 0 लिया है, जब x 0 है तो फंक्शन मैंने आपको क्या दिया हुआ है k, मतलब फंक्शन आपने k यूज करना है कांस्टेंट है, ठीक है, और जब x 0 नहीं है बेटे, ये x यहां 0 है और इसके पीछे कहीं भी देखें, यहां कहीं भी देखें, यहां x 0 नहीं है और x 0 नहीं है, तो फंक्शन कौन सा यूज करना है आपको 1 cos 4x / 8x स्क्वायर, और आपको हम कह रहे हैं इस फंक्शन की ये फंक्शन 0 पे कंटीन्यूअस है, आप k निकालिए। बेटे जब मैं आपको कह रहा हूं ये फंक्शन 0 पे कंटीन्यूअस है, इसका मतलब क्या होगा कि 0 के ऊपर इस फंक्शन की लिमिट और 0 के ऊपर इस फंक्शन की वैल्यू दोनों आपस में इक्वल होंगे, ठीक है बच्चों। अब बड़ी बात है कि फंक्शन की 0 पे लिमिट निकालनी है बेटे, कई बार हम 0 पे जैसे फंक्शन की लिमिट निकालनी है, आपने देखना है, देखोगे कि कई बार हम फंक्शन की जब लिमिट निकालनी होती है तो हम लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट का यूज करते हैं, और कई बार हम डायरेक्ट लिमिट निकालते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने देखा कि मैंने लेफ्ट और राइट का यूज किया था, ठीक है, और यहां मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूं, ठीक है, तो इसके लिए बेटे मैं आपको क्या बता रहा हूं, इसके लिए मैं आपको यह बता रहा हूं कि फंक्शन की किस केस में आप लेफ्ट और राइट से यूज करते हैं और किस केस में डायरेक्ट करते हैं, मैं समझाता हूं आपको। जैसे ये फंक्शन की 0 पे लिमिट निकालनी है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर इस फंक्शन की 0 पे लिमिट निकालनी है, इसका मतलब आप 0 के लेफ्ट और राइट से देखोगे कि डायरेक्ट देखोगे, मैं समझाता हूं आपको बेटे। 0 के देखो फंक्शन की 0 पे लिमिट निकालनी है, इसका मतलब 0 के आसपास देखना है, आसपास मतलब 0 के लेफ्ट और राइट में देखना है, लेकिन 0 के लेफ्ट में आप कौन सा फंक्शन यूज करोगे मेरे बच्चों 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 8x स्क्वायर, और 0 के राइट में 0 से जरा सा आगे देखेंगे तो भी आप कौन सा फंक्शन यूज करोगे 1 माइनस कॉस 4x ओवर 8x स्क्वायर। अब 0 के लेफ्ट साइड से भी आप वही फंक्शन यूज करोगे, 0 के राइट साइड में भी आप वही फंक्शन यूज करोगे, इसका मतलब क्या हुआ कि आप एक ही फंक्शन की दो बार लिमिट निकाल रहे हो। तो बेटे इस केस में जब 0 के लेफ्ट में भी वही फंक्शन है, राइट में भी वही फंक्शन है, इसलिए इस केस में आपको लेफ्ट और राइट नहीं करनी चाहिए, इस फंक्शन की डायरेक्ट लिमिट निकालनी चाहिए। पिछले क्वेश्चन में मैंने 0 के लेफ्ट में देखा, राइट में देखा, 0 के लेफ्ट में कोई और फंक्शन था, राइट में कोई और फंक्शन था, इसलिए मैंने अलग अलग निकाली। यहां 0 के लेफ्ट में कोई और है, राइट में सॉरी 0 के लेफ्ट में भी वही है, राइट में भी वही है, इसलिए मैं एक ही बार लिमिट निकाल दूंगा। तो चलिए 0 पे मैं लिमिट निकालता हूं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फंक्शन, और फंक्शन क्या यूज करना है मैंने आपके लिए 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 8x स्क्वायर, अब ये लिमिट निकालूंगा, ठीक है, और फिर 0 पे वैल्यू निकालूंगा। अब बेटा इसे मैं सॉल्व करता हूं आपके लिए, अगर मैं डायरेक्ट लिमिट लगाता हूं x की जगह 0 रखता हूं तो 4 * 0 0 cos 0 क्या आ जाएगा 1, और 1 में से 1 गया 0, ओवर x की 0 रखा तो क्या हो जाएगा
जीरो, एट इंटू जीरो जीरो, जीरो बाई जीरो। और आपको पता जब भी डेड लिमिट निकाल के लगा के जीरो बाय जीरो फॉर्म आए तो हम लिमिट नहीं लगा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, आपको मैंने पहले भी बताया होगा, आप एक बात फॉर एवर के लिए याद कर लीजिए कि मैथमेटिक्स में प्लस टू प्लस वन, मैथमेटिक्स में जब भी आप मैथ पढ़ रहे हैं आपके लाइफ में कभी भी अगर वन माइनस कॉस थीटा आ जाए और आपकी गाड़ी अटक चुकी है मैथमेटिक्स में, बेटा वन माइनस कॉस थीटा को हम क्या लिख देते हैं, टू साइन स्क्वेयर थीटा बाय टू। तो यहां देखिए वन माइनस कॉस थीटा की जगह मेरे पास क्या है बेटे, फोर एक्स। तो इस फॉर्मूला से मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, टू साइन स्क्वेयर, देखो थीटा है तो थीटा बाई टू, फोर एक्स है तो फोर एक्स बाई टू, जो कि क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, टू एक्स। और नीचे क्या है बेटे, एट एक्स स्क्वेयर, नीचे क्या है बेटे, एट एक्स स्क्वेयर। ठीक है, ये लिमिट भी लिखना चाहिए था मुझे यहाँ पे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो। अगला स्टेप है बेटे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है बेटे, टू तो टू, साइन स्क्वेयर टू एक्स को बच्चों मैं लिख सकता हूं साइन टू एक्स इंटू साइन टू एक्स, ओवर में बेटे क्या है, एट एक्स स्क्वेयर, एट, और एक्स स्क्वेयर को मैं लिख सकता हूं एक्स इंटू एक्स। एक और आपको रिजल्ट याद होगा लिमिट्स में कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो, साइन थीटा बाय थीटा किसके बराबर होता है, वन। मतलब लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो, ऊपर साइन थीटा है, साइन के साथ जो ऊपर एंगल है नीचे भी वही एंगल हो तो रिजल्ट वन के बराबर होता है, क्योंकि तो अभी भी अगर मैं लिमिट लगाऊंगा तो ये जीरो बाय जीरो आएगा, और जीरो बाय जीरो आएगा तो बेटे मैं ऐसे करता हूं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, साइन के साथ ऊपर एंगल क्या है, टू एक्स, ठीक है, टू मैंने लिखा, साइन के साथ ऊपर एंगल क्या है, टू एक्स, ठीक है। तो नीचे भी मैंने क्या लिख दिया बेटे, एट तो चलो चल रहा है, ऐसे करता हूं कि मैं अगर टू और एट की कटिंग कर देता तो टू और एट की कटिंग कर देता तो क्या आ जाता बेटे यहां, फोर एक्स एक्स, ओके बेटे, और ये क्या है हमारे पास, साइन टू एक्स। और फाइनल स्टेप कर रहा हूं बेटे मैं यहां पे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है, आप मुझे बताइए कि साइन के साथ ऊपर एंगल टू एक्स है, काश नीचे भी टू एक्स हो, तो बना देते हैं साइन टू एक्स, और बताइए फोर एक्स स्क्वायर को पहले मैंने लिख दिया टू एक्स, और इनटू में साइन 2x ओवर लिख दिया 2x, बेटे पिछला ही आपका रिजल्ट लिखा आप देख रहे होंगे, sin 2x sin 2x ये लिखा, और नीचे क्या था 4x स्क्वायर, उसको मैंने क्या लिख दिया 2x 2x 2 2 जा 4x स्क्वायर। सर आपने ऐसा क्यों किया, अब आपको पता है sin थीटा बाय थीटा ये लिमिट क्या हो जाएगी बेटे 1, और sin थीटा बाय थीटा ये भी क्या हो जाएगी 1, और इस तरह से आपके पास क्या रिजल्ट आ गया बेटे 1 आ गया। मतलब इस फंक्शन की जीरो पे लिमिट निकाली तो क्या रिजल्ट आ गया 1। इंपॉर्टेंट यहां पे ये था कि लेफ्ट और राइट से नहीं किया, डायरेक्ट किया, क्यों, क्योंकि जीरो के लेफ्ट में और जीरो के राइट में, मतलब जीरो के नेबरहुड में, मतलब जीरो के आसपास फंक्शन सेम था, डिफरेंट होता तो मैं अलग अलग करता, ठीक है। तो आपके फंक्शन की जो लिमिट है बेटे वो क्या आ गई है, 1 आ गई है। अब फंक्शन चूंकि कंटिन्यूस दिया है तो जीरो पे फंक्शन की वैल्यू देखेगा, दोनों आपस में इक्वल होंगे। आगे बढ़ते हैं, तो जीरो पे फंक्शन की वैल्यू देखेंगे। अब जीरो पे फंक्शन की जब मैं वैल्यू देखूंगा, और आप मुझे बताइए जब x जीरो है तो फंक्शन उसने क्या दे रखा है आपको, कि बोलता है कि जब x की जगह आप जीरो रखोगे फंक्शन में, x का जीरो रखोगे तो वैल्यू क्या है k। तो बेटे जब आपने जीरो के ऊपर इस फंक्शन की लिमिट निकाली, ठीक है, तो वन आई, और जीरो पे जब आपने इस फंक्शन की वैल्यू निकाली तो वो k आई, क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब जीरो के ऊपर फंक्शन की लिमिट और जीरो के ऊपर फंक्शन की वैल्यू दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो इसका मतलब k किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, k इज इक्वल टू 1, c इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटे, क्वेश्चन नंबर 14। बेटे क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है द पॉइंट एट विच द फंक्शन गिवन बाय दिस वन इज कॉन्टिन्यूस इज आर, पॉइंट या पॉइंट्स भी हो सकते हैं, इज आर लिखा है इसने। देखो बेटे यहां पे उसने मुझे ये कहा है कि आपने बताना है कि ये जो फंक्शन है, फिर से फंक्शन की मैंने आपको दो डिफाइनिंग दिए हुए हैं, और ये फंक्शन जो है वो कितने पॉइंट्स के ऊपर कॉन्टिन्यूस है। बेटे पहले मैं इस फंक्शन में आप देख रहे होंगे कि इस फंक्शन में अगर मैं छोटी सी आपको ये फिगर बना के दिखाऊं कि ये कहा है कि जब एक्स जीरो से छोटा है, ये एक्स की वैल्यू जीरो ले ली, और जब एक्स जीरो से छोटा है, जीरो से छोटा मतलब अगर हम यहां हैं, जीरो से छोटा है, तो आपने फंक्शन यूज करना है x ओवर मॉड x, और जब x जीरो से बड़ा है
जीरो है या जीरो से बड़ा है, जीरो है या जीरो से बड़ा है, तो आपने फंक्शन यूज करना है बेटे क्या, माइनस वन। जीरो से छोटा है तो आपने फंक्शन यूज करना है एक्स ओवर मॉड एक्स, और जीरो से बड़ा है या जीरो है या जीरो से बड़ा है तो फंक्शन यूज करना है माइनस वन। बेटे पहले क्योंकि इस फंक्शन में मॉड की बात हुई है तो पहले मैं आपको मॉड के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। आप सबको पता होगा कि मॉड दो तरह से बिहेव करता है। मॉड एक्स की वैल्यू एक्स होती है कब, जब एक्स जीरो या जीरो से बड़ा होता है, और मॉड एक्स की वैल्यू माइनस एक्स होती है कब, जब एक्स जीरो से छोटा होता है। सिंपल भाषा में बात करें कि मॉड एक्स कितनी तरह से बिहेव कर रहा है, दो तरह से। सिंपल भाषा में बात करें तो मैं ये कहूंगा कि मॉड के अंदर जो चीज है, जैसे यहां एक्स है, मॉड के अंदर जो चीज है अगर वो चीज जीरो हो या जीरो से बड़ी हो तो आंसर वही लिख दो। जैसे मॉड के अंदर अगर रिजल्ट क्या हो, जीरो हो या जीरो से बड़ा हो, जीरो हो या जीरो से बड़ा हो तो आंसर वही लिख दो। फोर जीरो से बड़ा फोर है, फोर ही लिख दो, जीरो है जीरो ही लिख दो। और मॉड के अंदर अगर रिजल्ट जीरो से छोटा हो, मॉड के अंदर वाला रिजल्ट अगर जीरो से छोटा हो तो आंसर क्या लिखो, माइनस ऑफ वही लिख दो, माइनस ऑफ वही। वही कौन है यहां, माइनस टू, तो क्या आ जाएगा, टू। मेरी बात समझे आप, मॉड की डेफिनेशन ठीक है ना, एमसीक्यू के लिए हमारे एकदम से फास्ट कंसेप्ट होने चाहिए। मॉड की कितनी तरह से बिहेव करता है, दो तरह से। सिंपल भाषा में मॉड के अंदर वाला नंबर जीरो हो या जीरो से बड़ा हो तो आंसर वही, और मॉड के अंदर वाला नंबर जीरो से छोटा हो तो आंसर माइनस ऑफ वही। समझ लगी बात। अब आपका फंक्शन बेटे हमने आपको दे रखा है, हम लोग आपको कह रहे हैं कि हमारा जो फंक्शन है बच्चों वो है एक्स ओवर मॉड एक्स। एक्स ओवर मॉड एक्स कब, जब एक्स जीरो से छोटा है, ठीक है। और फंक्शन बेटे मैंने आपको दे रखा है माइनस वन, कब, जब x जो है वो जीरो है या जीरो से बड़ा है। और बेटे मैंने अभी अभी आपको सिखाया है कि मॉड के अंदर वाली चीज, पहले मैं इस फंक्शन को ही थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहूंगा आपके लिए बच्चों। तो बेटे मॉड के अंदर वाली चीज, ठीक है, मॉड मैंने कहा दो तरह से बिहेव करता है। अब बताइए कि x ओवर मॉड x में ये जो x है, मैंने आपको कंडीशन लगाई है कि जो x है वो जीरो से छोटा है, तो मॉड के अंदर वाली चीज अगर जीरो से छोटी हो, बार बार बोल रहा हूं कि मॉड के अंदर वाली चीज, क्योंकि x जीरो से छोटा है तो मॉड के अंदर वाला x जीरो से छोटा है, और मॉड के अंदर वाली चीज अगर जीरो से छोटी तो आंसर क्या होता है, माइनस ऑफ वही। x तो ऊपर है और नीचे क्या लिखेंगे मॉड x की जगह, हम माइनस x, ठीक है, क्योंकि हमने आपको कहा था x जीरो से छोटा है और माइनस वन लिखना है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। अब इस स्टेप को मैं यहां लिख रहा हूं बेटे, x ओवर x कटिंग कर दी, क्या आ गया आपके पास, माइनस वन आ गया, कब, जब x जीरो से छोटा है, और यहां भी क्या है, माइनस वन आ गया जब x आपका जीरो से जीरो है या जीरो से बड़ा है। तो बच्चों ये जो मेरा फंक्शन आया है ना, ये फंक्शन क्या है, किसके बराबर है, ये फंक्शन माइनस वन के बराबर है। चाहे x आप जीरो से छोटा ले लो, चाहे x जीरो ले लो, चाहे जीरो से बड़ा ले लो, कहने का मतलब पूरी की पूरी लाइन के ऊपर x चाहे जीरो हो, चाहे जीरो से बड़ा हो, चाहे जीरो से छोटा हो, फंक्शन हमने आपको एक ही दिया है, कौन, माइनस वन। और माइनस वन एक कॉन्स्टेंट है, तो कैसा फंक्शन है बेटे, कॉन्स्टेंट फंक्शन है। और आपको पता होगा, पता नहीं है तो मैं बता रहा हूं कि जो कॉन्स्टेंट फंक्शन होता है बेटे वो हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है, इस दुनिया के सभी नंबर्स के ऊपर कॉन्टिन्यूस होता है। तो जब आपने अपने इस फंक्शन को ऑपरेट किया, इस फंक्शन को डिफाइन करके खोला, ऑपरेट किया, तो आपका एक कॉन्स्टेंट निकल के आया। और मैं आपको कह रहा हूं कि कॉन्स्टेंट फंक्शन हमेशा क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। और मैथ में हमेशा का मतलब सभी नंबर्स के ऊपर, और मैथ में सभी नंबर्स का मतलब इस दुनिया के सारे नंबर, मतलब ऑल रियल नंबर के ऊपर कॉन्टिन्यूस होता है। तो ए ऑप्शन आपका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। बेटे क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है द वैल्यू ऑफ के, और यहां पे उसने मेंशन किया है कि के आपको जीरो से छोटा लेना है। वैल्यू ऑफ के और के क्या लेना है आपको, जीरो से छोटा। फॉर विच द फंक्शन एफ डिफाइंड एज, f of x की फिर से दो डिफाइनिंग दी है, बोलता है फंक्शन आपने यूज करना है 1 minus cos kx over x sin x, 1 minus cos kx over x sin x, जब x जीरो नहीं है, ठीक है, और जब x जीरो है तो फंक्शन आपने 1 by 2 यूज करना है। जब x की वैल्यू जीरो है, जब x जीरो है तो फंक्शन 1 by 2 यूज करना है,
और जब x आपका जीरो नहीं है तो फंक्शन आपने ये यूज करना है। और मैं आपको कह रहा हूं ये फंक्शन जीरो पे कॉन्टिन्यूस है k निकालिए। बेटे जब मैं आपको कह रहा हूं ये फंक्शन जीरो पे कॉन्टिन्यूस है इसका मतलब क्या होगा कि जीरो के ऊपर इस फंक्शन की लिमिट, जीरो के ऊपर इस फंक्शन की लिमिट और जीरो के ऊपर इस फंक्शन की वैल्यू दोनों आपस में इक्वल होंगे। बेटे जब जीरो पे फंक्शन की लिमिट निकालने का मतलब क्या होता है, जीरो के आसपास फंक्शन की लिमिट निकालनी है। अब जीरो के आसपास फंक्शन की लिमिट निकालनी है, जीरो से पहले या जीरो से आगे देखना है, जीरो के लेफ्ट में भी देखना है, जीरो के राइट में भी देखना है। ये जीरो की लेफ्ट साइड होगी, ये जीरो की राइट साइड होगी। मैंने पहले कहा कि जीरो पे किसी भी नंबर पे फंक्शन की लिमिट निकालने का मतलब क्या होता है, उस नंबर के आसपास फंक्शन की वैल्यू देखो, और आसपास का मतलब उस नंबर के लेफ्ट में और राइट में फंक्शन की वैल्यू देखो, और उस नंबर के लेफ्ट में और राइट में अगर फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाए सेम, तो हम कहते हैं उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और लेफ्ट में और राइट में वैल्यू सेम ना आए तो हम कहते हैं उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। और बेटे जिस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट ना करे वो फंक्शन कभी भी कॉन्टिन्यूस नहीं होता है। चलिए तो मुझे जीरो के लेफ्ट में और राइट में देखना है। अब जीरो के लेफ्ट में मेरा फंक्शन कौन है, जीरो से पीछे मेरा फंक्शन कौन है, 1 minus cos kx upon x sin x, और जीरो से अगर मैं आगे देखूंगा तो भी मेरा फंक्शन कौन है, 1 minus cos kx upon x sin x। इसका मतलब जीरो के लेफ्ट में भी और जीरो के राइट में भी सेम फंक्शन है, इसलिए मैं क्या करूंगा बेटे एक ही बार लिमिट निकालूंगा। हाँ जीरो के लेफ्ट में कोई और फंक्शन होता, जीरो के राइट में कोई और फंक्शन होता तो मुझे लेफ्ट साइड वाले फंक्शन की अलग से लिमिट निकालनी पड़ती, राइट वाले की अलग से निकालनी पड़ती, और देखता दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं। लेकिन यहाँ जीरो के लेफ्ट और राइट में सेम फंक्शन है इसलिए हमें ड्रेड करना है, ठीक है। तो जीरो के ऊपर लिमिट निकालेंगे, जीरो के ऊपर वैल्यू। और बेटा ये तो मैं आपको बता दूं कि जीरो के ऊपर जो वैल्यू है वो तो उसने खुद ही कहा है कि जब एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह आप क्या रखोगे, एक्स की जगह जब आप जीरो रखोगे तो आंसर क्या मिलेगा, 1/2। तो जीरो के ऊपर फंक्शन की वैल्यू तो मुझे दी है उसने 1/2। बस अब मुझे जीरो पे फंक्शन की क्या निकालनी है, लिमिट। अब जीरो पे फंक्शन की लिमिट निकालनी है तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, और मैं बार बार कह रहा हूं जीरो पे लिमिट निकालने का मतलब जीरो एग्जैक्टली जीरो पे नहीं निकाल रहे, जीरो के आसपास फंक्शन की वैल्यू देखनी है। जीरो पे लिमिट निकालने का मतलब जीरो के आसपास फंक्शन की वैल्यू देखनी है, जीरो के आसपास मतलब जीरो के लेफ्ट में और जीरो के राइट में फंक्शन की वैल्यू देखनी है। जीरो के लेफ्ट में भी वही फंक्शन है, राइट में भी वही है, इसलिए कौन फंक्शन यूज होगा, 1 cos kx ओवर मेरे बच्चों क्या है, x sin x, ठीक है। अब आपके पास ये और वैल्यू तो आप फंक्शन की जीरो पे देख चुके हो 1/2, ठीक है। अब ये निकालना है, अगर मैं डायरेक्ट लिमिट लगा दूंगा x की जगह जीरो रख दूंगा, k into 0 0 cos 0 क्या बन जाएगा 1, 1 में से 1 गया 0 by x की जगह 0 रखूंगा 0 into something 0 by 0। तो जब भी 0 by 0 आता है तो हम लिमिट अप्लाई नहीं करते, 0 by 0 आता है तो हम अपने फंक्शन को सिंपलीफाई करते हैं, और ये तो बहुत बार हुआ। पिछले क्वेश्चन में मैंने कहा कि कभी भी आपके पास 1 minus cos theta आ जाए, मैथ में कहीं भी 1 minus cos theta आ जाए, आप हमेशा क्या लिखा करो, 2 sin square थीटा बाय 2। और आपको पता होगा 1 प्लस कॉस थीटा आ जाए तो क्या लिखते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। तो बेटे अगला स्टेप लिख रहा हूं मैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब 1 माइनस कॉस थीटा है, थीटा की जगह कौन है बेटे, kx, और 1 माइनस कॉस थीटा है तो मैं क्या लिखने वाला हूं बच्चों, 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, और थीटा कौन है यहां, kx बाय 2, और नीचे तो बेटे कौन है, x * sin x है, ठीक है बेटे। एक स्टेप मैं यहां और कर देता हूं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, देखिए बेटे 2 है, ऊपर क्या है, साइन स्क्वायर के एक्स बाय 2, तो इसको आप लिख सकते हो साइन के एक्स बाय 2 इंटू साइन के एक्स बाय 2, साइन के एक्स बाय 2, साइन के एक्स बाय 2, ठीक है। और नीचे क्या है बेटे, x है और क्या है बेटे, साइन x है, x है और साइन x है, ठीक है। अगले पेज पे मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ क्वेश्चन को, बेटे फिर से मैं यहाँ लिख लेता हूँ जो पिछले पेज का क्वेश्चन था, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, मेरे पास ऊपर आया था बेटे साइन के एक्स बाय टू इंटू साइन के एक्स बाय टू, ओवर में था बेटे एक्स था और साइन एक्स था। वंस अगेन पीछे देख लेते हैं, कुछ मिस तो नहीं हुआ, 2 था बाकी 2 एक्स साइन एक्स, आगे चलते हैं बेटे, और यहाँ पे 2 था, ठीक है बेटे। अभी मैंने आपको कहा कि लिमिट का जब भी क्वेश्चन आता है साइन थीटा बाय थीटा की लिमिट 1 होती है, जब साइन के साथ क्या एंगल है बेटे, के एक्स बाय 2, साइन के साथ क्या एंगल है बेटे, के एक्स बाय 2, अगर नीचे भी आपको के एक्स बाय 2 एंगल मिल जाता तो साइन थीटा बाय थीटा 1 हो जाता, मिलेगा तो नहीं पर बना देते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो,
टू वैसे ही रखा बेटे, साइन के एक्स बाई टू ओवर इस एक्स, ये जो एक्स था वैसा का वैसा एक्स रखा और इसके साथ मैंने क्या लगा दिया है के बाई टू, अपनी मर्जी से के बाई टू लगाया है तो आप ऐसे लिख दो टू बाई के, फर्क तो नहीं पड़ेगा, इनटू उसके बाद कौन था बेटे साइन के एक्स बाई टू। अब नीचे भी मुझे क्या लगाना पड़ेगा के एक्स बाई टू, तो अपनी मर्जी से मैंने क्या लिख दिया बेटे के एक्स बाई टू, अपनी मर्जी से के एक्स बाई टू लिखा है तो इनटू में मुझे क्या लिखना पड़ेगा बेटे टू ओवर के एक्स, ठीक है। और एक चीज पहले से बची हुई है बेटे वन बाय साइन एक्स, ठीक है। ध्यान से क्या सिखा रहा हूं मैं आपको, टू मैंने ऐसे लिखा साइन के एक्स बाई टू, ठीक है के एक्स बाई टू, तो नीचे भी मुझे क्या चाहिए था के एक्स बाई टू, एक्स मेरे पास था, इस एक्स को मैंने के बाई टू से क्या कर दी मल्टीप्लाई, अपनी मर्जी से के बाई टू से मल्टीप्लाई की तो इन टू में टू बाई के लिख दिया। फिर साइन के एक्स बाई टू, इसके नीचे क्या चाहिए था के एक्स बाई टू, अपनी मर्जी से के एक्स बाई टू ले आया और अपनी मर्जी से के एक्स बाई टू लिखा तो इन टू में टू ओवर के एक्स लिख दिया और ये आपका साइन एक्स एस सच लिख दिया। अब बच्चे अगला स्टेप मैं आपके लिए लिख रहा हूं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है बच्चों। और ये आपको पता है अगर लिमिट लगाई है तो इन सब फंक्शन की लिमिट अलग अलग हो जाती है। अब बेटे साइन के एक्स बाई टू ओवर के एक्स बाई टू, इसकी स्टैंडर्ड लिमिट क्या हो जाएगी वन, साइन के एक्स बाई टू ओवर के एक्स बाई टू, इनकी स्टैंडर्ड लिमिट तो क्या हो गई वन हो गई, तो आपके पास बचा क्या बेटे यहां से टू बचा और नीचे कौन है बेटे टू बाय के है, ओके इनटू ये तो स्टैंडर्ड वन हो चुकी है और बेटे यहां से क्या बचा आपके पास वन ओवर क्या बचा है टू बाय के इनटू साइन एक्स, नीचे ये साइन एक्स भी ऐसे ही था ये साइन एक्स ओवर एक्स, ठीक है बेटे। फिर से बेटे साइन थीटा बाय थीटा की स्टैंडर्ड लिमिट क्या हो जाएगी वन, साइन थीटा बाय थीटा वन होता है, जैसे यहां साइन के एक्स था सॉरी साइन के एक्स बाय टू था, साइन के एक्स बाय टू था तो नीचे में मैंने के एक्स बाय टू बनाया था, अब साइन एस तो नीचे एक्स, ठीक है तो ये स्टैंडर्ड लिमिट फिर से क्या हो गई वन। तो बच्चों आपके पास बचा क्या है फिर देखा जाए तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो टू ओवर टू बाय के, टू बाय के जो है वो के ऊपर चला जाएगा, इन टू में क्या बचा है आपके पास वन ओवर टू बाय के, अब टू बाय के में के ऊपर चला जाएगा और टू नीचे है, यहां से टू कैंसिल हो गया, ठीक है। और आपके पास क्या रिजल्ट आ गया के स्क्वायर बाय टू रिजल्ट आ गया, आपके पास क्या रिजल्ट आ गया भाई के स्क्वायर बाय टू, ठीक है। तो बेटे लिमिट हमने निकाली है के स्क्वायर बाय टू आई है। पिछली स्लाइड पे चलते हैं, पिछली स्लाइड पे मैंने आपको कहा था कि इस फंक्शन की लिमिट निकाली और इस फंक्शन की वैल्यू निकाली, अब मैंने फंक्शन की लिमिट निकाली है तो वो आई है के स्क्वायर बाय टू और वैल्यू जो थी वो वन बाय टू, क्योंकि फंक्शन जीरो पे कॉन्टिन्यूस था, इसका मतलब फंक्शन की जीरो पे लिमिट और वैल्यू दोनों इक्वल है, तो लिमिट कितनी निकली है के स्क्वायर बाय टू और वैल्यू कितनी निकली है वन बाय टू, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो अगले स्लाइड पे चलते हैं, तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ के स्क्वायर बाय टू किसके बराबर आ गया वन बाय टू के बराबर, और यहां से अगर हम सॉल्व करें टू से टू कट गया तो के स्क्वायर किसके बराबर आ गया वन के बराबर, तो यहां से बात करें तो के किसके बराबर आ जाएगा प्लस माइनस वन, और उसने आपको कहा था कि के आपको कौन सा लेना है जीरो से छोटा लेना है, के की दो वैल्यू आई है एक वन आई है और एक माइनस वन आई है, लेकिन आपको कौन सी लेनी है जीरो से छोटी, तो जीरो से छोटी कौन होगी माइनस वन, तो आपका सही आंसर जो है वो के इक्वल टू माइनस वन है और के इक्वल टू माइनस वन हमारी इस ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। एक्चुअल में k इज इक्वल टू माइनस वन आपका सही आंसर होगा, ठीक है तो इसको सही कर लीजिएगा k इज इक्वल टू माइनस वन होगा, ठीक है कि नहीं, ये b ऑप्शन पे मैं माइनस वन कर देता हूं तो k इक्वल टू माइनस वन आपका सही होगा, उसने प्लस माइनस वन ऑप्शन लिखी है लेकिन k लेस देन जीरो लेना तो फिर कौन सी सही होगी माइनस वन, तो k इज इक्वल टू माइनस वन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं बेटे, और बेटे अब है हमारा लास्ट क्वेश्चन है, केस बेस्ड क्वेश्चन है बेटे, ये केस बेस्ड क्वेश्चन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। इस क्वेश्चन में देखिए मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूं, बाकी मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। स्टेटमेंट ये है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्लानिंग टू फिक्स अ होर्डिंग बोर्ड एट द फेस ऑफ अ बिल्डिंग ऑन द रोड ऑफ अ बिजी मार्केट फॉर अवेयरनेस ऑफ कोविड 19 प्रोटोकॉल। राम रॉबर्ट एंड रहीम आर द थ्री इंजीनियर्स हु आर वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। ए इज considered to be a person viewing the holding board 20 meter away from the building, ठीक है। जैसे ये इसने figure भी बना के दिए question में कि A जो है person है, जो ये हमारी building है मान लीजिए, जो line है मैंने building show की है और ये एक person A है और A person इस building पे हमने holding लगाया और A इस
होर्डिंग को, जहां होर्डिंग लगाया है उससे 20 मीटर की दूरी से होर्डिंग को देख रहा है, ऐसा ही कह रहा है। ठीक है, उसके बाद कहता है ठीक है कि जो हमने बोर्ड लगाए हैं वो सी डी और ई पोजीशन पे लगाए हैं। एक बोर्ड हमने सी पोजीशन पे लगाया, एक डी पे लगाया और एक ई पे लगाया, और सी की जो पोजीशन है ग्राउंड से सी कितनी दूरी पे दिया है 10। बेटे ये सब यहां लिखा है, मैं जस्ट पढ़ रहा हूं आपके लिए, 10 मीटर की दूरी पे लगाया है। ठीक है, फिर कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ डी इज डबल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सी। ये जो डी है इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो सी के एंगल ऑफ एलिवेशन से डबल है, और ई का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो सी से ट्रिपल है। बेटे एंगल ऑफ एलिवेशन मैं समझा देता हूं, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, हमारी आई जहां से हम देखते हैं उस आई से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दो, उस आई आई से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दो, और जिस चीज को हम देख रहे हैं उसके ऊपर आई से एक लाइन खींच दो, तो उसके बीच के एंगल को एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। ठीक है, तो मतलब ये कहता है कि सी का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है जो भी है, मान लीजिए सी का एंगल ऑफ एलिवेशन मैं अल्फा मान लेता हूं, तो जो डी का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो ट्वाइस है, 2 अल्फा होगा, और ई का जो है वो 3 अल्फा होगा, ऐसा दिया है। और फिर हमें ये 3 क्वेश्चन करके दिखाने हैं। ठीक है, तो चलिए टर्न बाय टर्न क्वेश्चन करते हैं। बेटे सबसे पहले देखिए मैं आपको सिखाता हूं, ये ए पर्सन है, ठीक है, ये बेटे ये बिल्डिंग है, ये जो मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ आपको, ये जो मैंने लिखा है ठीक है, जैसे ये बिल्डिंग होगी, ये बिल्डिंग का एक मैंने पोर्शन दिखाया है, उस बिल्डिंग के ऊपर एक बोर्ड मैंने डी पोजीशन पे लगाया है, एक मैंने सी पोजीशन पे लगाया है, और एक बोर्ड मैंने ई पोजीशन पे लगाया है, ये ग्राउंड है। ठीक है कि नहीं, ग्राउंड से ए एक पर्सन है, और कितनी दूरी पे बैठा है वो ग्राउंड पर्सन, 20 मीटर की दूरी से वो सी पोजीशन पे जो बोर्ड लगाया है उस बोर्ड को देख रहा है, और सी की ग्राउंड से हाइट मैंने कितनी दे रखी है आपको, 10 दी हुई है। ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने मान लिया कि कितना है, अल्फा। मैंने कहा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, ए पे पर्सन है ना, तो पर्सन की आई से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दो, और पर्सन की आई से ऑब्जेक्ट जिसे आप देख रहे हैं सी पे जो बोर्ड लगा है उस पे देख रहे हैं उस पे एक लाइन खींच दो, उनके बीच के एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और पहले क्वेश्चन में उसने मुझे कहा है कि आप एंगल सी ए बी निकालिए, एंगल सी ए बी तो नहीं निकालिए, आपको निकालना था मेजर ऑफ एंगल सी ए बी इज टैन इनवर्स लैम्डा, मतलब वो कह रहा है कि एंगल सी ए बी टैन इनवर्स लैम्डा है, तो आपको लैम्डा निकालना है। चलो फॉर एंगल सी ए बी, बेटे एंगल सी ए बी आप देखेंगे फिगर में, तो ये आपका सी ए बी एंगल, यहां कौन नजर आ रहा है आपको, अल्फा जिसको मैंने बनाया ये है। अब अगर हम गौर से देखें इसे देखें, तो ये जो ए ये जो है ये आपकी एक राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रही है आपको, और राइट एंगल ट्राइंगल में 90 के सामने ये जो साइड होती है ये क्या होती है बेटे, हाइपोटेन्यूज। और जो बेटे आप एंगल यूज करते हो, एंगल आप ये यूज कर रहे हो अल्फा मान लीजिए, तो और ऐसे भी आपको एंगल सी ए बी निकालना है, तो फिर अल्फा ही आपका सी ए बी एंगल, तो जो एंगल आप यूज करते हो वो हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच में होता है, तो ये 20 आपका क्या बन गया, बेस, और जो 10 है बेटे वो आपका क्या बन गया, परपेंडिकुलर। क्योंकि क्वेश्चन में 10 की बात हो रही है, तो इन राइट एंगल ट्राइंगल में आपको पता है ठीक है कि जो 10 एंगल सी ए बी निकालना है हमें, ठीक है ना, एंगल सी ए बी जो कि मैंने यहां नाम दे रखा है उसका अल्फा, तो 10 अल्फा मतलब क्या निकालना है आपको, 10 अल्फा। अब आप मुझे बताइए कि 90 के सामने वाली साइड क्या है, हाइपोटेन्यूज है, ये क्या है, बेस है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर है। और आपको तो पता है कि भाई अगर हमने ये एब्रीवेशन याद रखी है, ठीक है, अगर ये एब्रीवेशन हमें याद है, तो जो टैन होता है वो क्या होता है बेटे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब मुझे आप बताइए कि यहां परपेंडिकुलर कौन है, 10 है, और बेस कौन है बेटे, 20 है, तो टेन अल्फा 10/20 बच्चों कितना आ गया, 1/2, तो टेन ऑफ अल्फा या एंगल सी ए बी एक ही बात है, कितना आ गया, 1/2, तो एंगल सी ए बी कितना आ गया, टेन इनवर्स 1/2। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या बोल रखा है हमें कि भाई जो एंगल सी ए बी है वो किसके बराबर है, टेन इनवर्स लैम्डा के बराबर है। हम कह रहे हैं एंगल सी ए बी किसके बराबर है, टेन इनवर्स 1/2 के बराबर है, वो कह रहा है टेन इनवर्स लैम्डा के बराबर है, तो यहां से लैम्डा की वैल्यू बेटे कितनी आ गई, 1/2। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में बेटे वो हमें कह रहा है, दूसरे क्वेश्चन में नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे हम, नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे हम, दूसरे क्वेश्चन में बेटे वो हमें कह रहा है कि जो हमारा मेजर ऑफ एंगल डीएबी है वो टेन इनवर्स म्यू है, तो आपको म्यू निकालना है। और बेटे मेजर ऑफ एंगल डीएबी जो उसने कहा है कि जो डीएबी एंगल है, ये जो डीएबी एंगल है ये अल्फा का कितना है, ट्वाइस है, तो अब मुझे एंगल कितना दे रखा है,
टू अल्फा। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो बेटे एंगल डी ए बी जो उसने मुझे दिया है, एंगल डी ए बी जो उसने मुझे दिया है, एंगल डी ए बी ये एंगल सी ए बी का ट्वाइस है। ये मैंने अल्फा माना था और एंगल डी ए बी इसका ट्वाइस दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो टू अल्फा। तो देखिए जी एंगल डी ए बी जो है वो टू टाइम एंगल सी ए बी है, टू और एंगल सी ए बी को हमने अल्फा माना है, ठीक है, तो टू अल्फा है, ठीक है। तो अब हमने टेन ऑफ डी ए बी निकालना है, ठीक है, टेन ऑफ डी ए बी। अब टेन ऑफ डी ए बी अगर हम निकालेंगे तो डी ए बी एंगल हमें क्या दिया है, टू अल्फा, तो टेन ऑफ डी ए बी टेन ऑफ टू अल्फा हो गया। और टेन टू थीटा का तुम्हें फॉर्मूला आता होगा, टेन टू थीटा का फॉर्मूला होता है टू टेन थीटा ओवर वन माइनस टेन स्क्वेयर थीटा, वही मैंने लिखा है, इसने अल्फा की भाषा में बात की है, तो टू टेन अल्फा ओवर वन माइनस टेन स्क्वेयर अल्फा, ठीक है, टू तो टू और टेन अल्फा की वैल्यू भी पीछे मैंने निकाली है वन बाय टू, वन माइनस टेन अल्फा वन बाय टू, तो उसका स्क्वेयर क्या हो जाएगा वन बाय फोर, तो टू और टू कट गया यहाँ पे, ऊपर क्या रह गया वन, और वन माइनस वन बाय फोर, फोर में से वन गया तो थ्री बाय फोर, वन ओवर थ्री बाय फोर कितना आ गया बेटे फोर बाय थ्री। तो बेटे एंगल डी ए बी आपने निकाल दिया फोर बाय थ्री, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने एंगल डी ए बी आपको दिया था टेन इनवर्स म्यू। हम कह रहे हैं एंगल डी ए बी जो है फोर बाय थ्री है, तो और उसने कहा था कि एंगल डी ए बी जो है टेन इनवर्स म्यू के बराबर है, तो टेन इनवर्स म्यू इज इक्वल टू टेन इनवर्स फोर बाय थ्री, तो म्यू की वैल्यू क्या आ गई फोर बाय थ्री। अगले पार्ट में बेटे इसकी बात कर रहा है कि जो ई पे बोर्ड लगाया है उसका जो एंगल है वो एंगल अल्फा का थ्राइस है, थ्री अल्फा है, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब थ्राइस है, तो एंगल ई ए बी जो है वो एंगल सी ए बी का, ये अल्फा था और ये कितना है थ्री अल्फा है, तो इसका थ्राइस है बेटे, तो एंगल ई ए बी जो है वो तीन गुना है एंगल सी ए बी का, और सी ए बी अगर अल्फा है तो ये कितना हो गया थ्री अल्फा, ठीक है, तो टेन ऑफ एंगल ई ए बी क्या हो गया टेन थ्री अल्फा, और टेन थ्री थीटा का भी आपको फॉर्मूला आता होगा, और टेन थ्री थीटा होता है बेटे थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा ओवर वन माइनस थ्री टेन स्क्वेयर थीटा। तो बेटे इसका यूज करके हम जैसे पिछले दो क्वेश्चन करवाए हैं यहां से कंपेयर करके के की वैल्यू क्या आ जाएगी इलेवन बाय टू। तो ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा फास्ट बताया है आपको, लेकिन इजी था, कोई मुश्किल नहीं था, फिर भी अगर आपको कोई इसमें जरूरत लगती हो आप कमेंट सेक्शन पे लिखिए, मैं इसका वंस अगेन डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको वंस अगेन सेंड कर सकता हूं, ठीक है बेटे। तो इस तरह से मैंने पार्ट टेस्ट टू खत्म किया है। अभी आपको पता है हमारा पार्ट टेस्ट थ्री अगला आ रहा है, और पार्ट टेस्ट थ्री हमारा चैप्टर कवर कर रहा है रिलेशन एंड फंक्शन। तो अब हम आपको मिलेंगे पार्ट टेस्ट थ्री रिलेशन एंड फंक्शन में। जय हिंद, जय भारत।